एक ताला चाबी बनाने वाली कंपनी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक वक्त मार्केट वैल्यू 2,36,000 करोड़ रुपए होगी, जो कि किसी छोटे मोटे मुल्क के एक बजट के बराबर है। इस कंपनी का नाम है गोदरेज, जो इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। ये वो नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। इस ग्रुप ने कभी अंग्रेजों के लिए तिजोरियां बनाई और आज ये ग्रुप चांद तक पहुंच चुका है। कहा जाता है कि भारत के चंद्रयान मिशन में गोदरेज ग्रुप का अहम रोल रहा है। 127 साल पहले यानी कि 7 मई 1897 को अर्देशिर गोदरेज ने वकालत छोड़ने के बाद एक शेड में गोदरेज कंपनी की नींव रखी थी। बताया जाता है कि भारत को आजादी मिलने से पहले साल 1897 में अर्देशिर गोदरेज और उनके भाई पिरोजशाह गोदरेज ने इसकी स्थापना की थी। उन्होंने सबसे पहले सर्जरी ब्लेड बनाई, लेकिन ये ज्यादा चल नहीं सकी। फिर इसके बाद देश में आए दिन घरों में चोरी की घटनाओं को देखते हुए नया आइडिया आया और वो ताला चाबी बनाने लग गए। हालांकि उस समय भी ताला चाबी बनाए जाते थे, लेकिन गोदरेज ने अपने लॉक्स को और ज्यादा मजबूत बनाकर पेश किया। उन्होंने इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्तर पर शुरू कर दी और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यहां तक कि उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और गोदरेज नाम से मजबूत तिजोरियां बनाना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने उस समय भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को भी फैन बना लिया। मीरा रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदरेज कंपनी की तिजोरियों पर अंग्रेजों को भी पूरा भरोसा था। साल 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों को रखने के लिए गोदरेज की तिजोरियों को ही चुना था। जब देश में स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था, तब कंपनी के संस्थापक अर्देशिर गोदरेज भी इससे जुड़े हुए थे। गोदरेज ने 1923 में अलमारी के साथ ही फर्नीचर लॉन्च किया। इसके बाद ये घर घर में पहुंचने लगा और शादी ब्याह में गोदरेज के प्रोडक्ट्स देना शान की बात हो गई थी। इंडिया टुडे की माने तो टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज ग्रुप ने भी देश को कई चीजें पहली बार दी। भारत को आजादी मिलने के बाद जब साल 1951 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, तो गोदरेज ने ही पहला बैलेट बॉक्स बनाया था, जिसमें देश की जनता अपने मत डालती थी। सिर्फ बैलेट बॉक्स ही नहीं, पहला टाइपराइटर बनाने का श्रेय भी गोदरेज को ही जाता है, जिसे गोदरेज ने बॉयस के नाम से मिलकर 1955 में बनाकर पेश किया था। गोदरेज ही पहली ऐसी भारतीय कंपनी थी जिसने 1958 में देश में फ्रिज बनाया था। आज भी मार्केट में लेटेस्ट मॉडल्स के साथ गोदरेज के फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं, जिन्हें लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। बता दें, गोदरेज के कारोबार में उस वक्त पंख लगे थे जब आदि गोदरेज ने 1963 में गोदरेज इंडस्ट्रीज में एंट्री मारी और काम करने के पुराने ढर्रे को बदलने की शुरुआत की। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा ढर्रा ही कंपनी में चल रहा था और कारोबार विस्तार के साथ ही अर्देशिर गोदरेज के बेटे आदि गोदरेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती गोदरेज कंपनी को समय के साथ आधुनिक बनाने की थी। अमेरिका के MIT से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर लौटे आदि गोदरेज ने कंपनी की ब्रांड इमेज के साथ एक इमोशनल कनेक्ट जोड़ते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते कंपनी बुलंदियों पर पहुंच गई। आज गोदरेज ग्रुप की 5 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इनमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज एग्रोवेट और गोदरेज लाइफ साइंसेस मौजूद हैं। एरोस्पेस सेक्टर में भी कंपनी लगातार विस्तार कर रही है। यहां तक कि गोदरेज एरोस्पेस का भारत के मून मिशन से भी कनेक्शन रहा है। साल 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और लूनर ऑर्बिटर तैयार किया गया था, तो वहीं चंद्रयान 2 के लिए भी उपकरण मुहैया कराए गए थे। हालांकि ये सफल नहीं हो सका था, लेकिन बीते साल 2023 में भारतीय मून मिशन को सफलता मिली थी, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। इस सफलता में भी गोदरेज का योगदान अहम रहा। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन में कंपनी ने कई जरूरी पार्ट्स तैयार किए थे। यान के रॉकेट इंजन और थ्रस्टर को गोदरेज एरोस्पेस द्वारा ही बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान का विकास इंजन, CE-20 और सैटेलाइट थ्रस्टर्स को गोदरेज एरोस्पेस की मुंबई स्थित विक्रोली फैसिलिटी में तैयार किया गया था। इसके साथ ही इसके अलावा मिशन के कोर स्टेज के लिए L-110 इंजन का निर्माण भी गोदरेज कंपनी द्वारा ही किया गया था। बता दें, ताला चाबी हो या फिर अलमीरा या फिर तिजोरी, यही नहीं साबुन से लेकर लग्जरी फ्लैट तक गोदरेज ग्रुप का कारोबार फैला हुआ है। आज ये ग्रुप बंटवारे को लेकर चर्चा में है, क्योंकि देश में सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल गोदरेज फैमिली में बंटवारा हो गया है और दुनिया के 90 देशों में फैला कारोबार दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज को मिला है, जबकि दूसरा हिस्सा उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज और बहन स्मिता को दिया गया है। इस समझौते के तहत ग्रुप की सभी 5 लिस्टेड कंपनियां आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज को मिली हैं, जबकि जमशेद और स्मिता को नॉन लिस्टेड कंपनियां और लैंड बैंक मिला है। गोदरेज ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीब 2,36,000 करोड़ रुपए है।
इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार शुभकांत ने। स्टोरी पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।